अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ है और आप देख रहे हैं नूर ब्राइट चैनल। आज मैं आपको लाहौर के इलाके जल्लो में एक ऐसे पार्क में लेके आया हूँ जो कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में तामीर किया गया था, स्पेशली फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए और साइकिलिस्ट इंथुजियास्ट्स के लिए। ये बहुत बड़ा पार्क है, इसको जॉगिंग ट्रैक समझे, साइकिलिंग ट्रैक समझे, मीलों के हिसाब से फैला हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस पर करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी आज तक ये मुकम्मल तौर पे फंक्शनल नहीं हो सका। अभी भी गेट्स बंद हैं और मैं गेट्स बुला के आया हूँ सिर्फ और सिर्फ व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए। लोग यहाँ पर आते रहते हैं और हैरत की बात है कि कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ जिससे आपको पता चले कि ये कोई पार्क है। मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि इस पार्क को मैं हाईलाइट करूं और चलें एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को। ये देखें, अभी इसमें काम हो रहा है, ये कमरे बने हुए हैं, कोई कैफेटेरियाज, बहुत ज़बरदस्त मंसूबा है। मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यह है कि मैं इसको हाईलाइट करूं ताकि ये मज़ीद प्रमोट हो फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जॉगिंग करने वालों के लिए। बहुत बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन जगह। ये पार्क बुर्की हॉस्पिटल से पहले खैरा पुल के पास, बीआरबी के पास ही वाकई है, बिल्कुल मेन जगह पे। ये बच्चों के लिए पार्क बना हुआ छोटा सा। अभी मेरी बात हुई थी यहाँ के वर्कर से, वो कह रहे हैं कि ये अभी इस पर काम हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली इस जगह को प्रमोट नहीं किया गया। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, अभी सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, मीलों के हिसाब से फैला हुआ है। बहुत बेहतरीन लोकेशन फैमिलीज़ के लिए, आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, साइकिलिंग जॉगिंग कर सकते हैं। ये ऊपर ट्रैक बना हुआ है साइकिलिंग का, ये बेसिकली जल्लो का इलाका है। यहाँ पे गांव है आसपास, साफ आबोहवा, बीआरबी नहर, बुर्की हॉस्पिटल करीब ही है। अभी यहाँ पर काम हो रहा है, ये देखें यहाँ पे भैंसों के बाड़े हैं और दूध लोड हो रहा है। तो इस एरिया में एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये बहुत बहुत मीलों के हिसाब से फैला हुआ है, ये देखें आप, अब इस पर काम हो रहा है। ट्रैक ऊपर है, मैं नीचे पार्क में आया हुआ हूँ।
हाँ ये ट्रैक है, देख लें इसकी लेंथ चेक करें। आप लोग भी आए इसको विज़िट करें। मैं आपको इसका एड्रेस बताता हूँ, आप नैरो नहर सोजो वाटर पार्क को क्रॉस करके बिल्कुल एंड पे जब आएंगे, खैरा पुल की तरफ आएँ, वहाँ से आप जब गुरकी की तरफ आएंगे, गुरकी हॉस्पिटल की तरफ, तो ये गुरकी और खैरा पुल के दरमियान में ही ये बिल्कुल मेन एंटी नारकोटिक फोर्स ऑफिस के साथ ही वाकई है। इसको हिडन ट्रैक कहा जाए तो गलत ना होगा। अभी इस पर काम हो रहा है और कुछ महीने लगेंगे इसको फुली डेवलप होने में। ये मंसूबा शहबाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन हुकूमत चेंज होते ही इस पर काम रुक गया। अभी तक इस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, कोई इसका एंड नज़र नहीं आ रहा। मैं हुकूमत से अपील भी करता हूँ कि इस ट्रैक को, पार्क को महफूज बनाया जाए, इसको प्रमोट किया जाए। मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये था कि मैं इसको हाईलाइट कर सकूँ, को कि इस पर काम हो रहा है, अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इसको जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल करना चाहिए। बहुत ही आला साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, और इसमें पानी छोड़ा जाता है BRB से। मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, लेकिन अभी चूंकि इस पर काम हो रहा है तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी नहीं लगी। जी तो ये था साइकिलिंग प्लस जॉगिंग ट्रैक जल्लो का। जल्लो का एरिया वैसे भी अपने पार्क्स और मुनफरिद मकामात की वजह से बहुत फेमस है। ये ट्रैक गुरकी हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब है, BRB के साथ, खैरा पुल के बिल्कुल करीब, खैरा पुल और BRB के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। एंटी नारकोटिक फोर्स का दफ्तर भी सामने है, तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिए। मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, अभी मज़ीद मेरे ख्याल में 6 to 7 miles है शायद, अभी इस पर काम हो रहा है और ये लाहौर का एक मुनफरिद ट्रैक होगा। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये लाहौर का सबसे मुनफरिद ट्रैक है तो बजाना होगा। साथ ये देखें पेंड वगैरह हैं, जल्लो के गांव हैं,